यूक्रेन की राजधानी कीव के फ्रीडम स्क्वायर की ये तस्वीर है और यहां से महीने भर के महाविनाश विनाश की समूची तस्वीरों के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए एक महीना होने को आया है, धमाकों धमकी और ध्वंस का एक महीना, लेकिन सुलह की अब भी कोई सूरत नजर नहीं आती। ये जंग कहां तक जाएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस जंग का अंजाम क्या होगा इसका सटीक आकलन भी किसी के पास नहीं है। बमों का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि परमाणु युद्ध का डर भी दुनिया के सामने है और विश्व शक्तियों का अहंकार इस कदर कि विश्व युद्ध का संकट भी गहरा रहा है। खंडहर शहर, मातम जिंदगी, हर तरफ बम बारूद बर्बादी, पर देखिए जो पूर्वी मोर्चा है वहां तक रूसी फौज आई है। यहां पर मिसाइल के हमले हुए थे लेकिन अब जमीन से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की जो क्षति है ना, इस तरह की जो क्षति है ये बहुत घातक उन मिसाइल हमलों से जो कि सुखोई विमानों से यहां पर किए गए हैं। यह हासिल है रूस यूक्रेन जंग के एक महीने попри всі складнощі за сьогодні все ж таки вдалося врятувати 7026 маріупольців. Завтра продовжимо цю важливу роботу. Наші представники намагаються домовитись про гуманітарні коридори ще й у Київській, у Харківській, Запорізькій, у Луганській областях. Хар день мот ке акрон ме наї моти джуд жати. हर दिन अपना घर छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। वैक्यूम बॉम्ब, हाइपरसोनिक मिसाइल की तबाही ये जंग देख चुकी है, अब परमाणु युद्ध की आहट सुनाई देगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के तमाम देशों की कूटनीति, रणनीति और राजनीति ये जंग देख चुकी, अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया की सूरत और डरा रही। यही है रूस यूक्रेन जंग के बीते एक महीने का हासिल। कीव का कुरुक्षेत्र न जाने कितनी ही बलि ले चुका, इस शहर के बादलों से धुआं नहीं छटा, लेकिन कब्जे की जंग में रूस और यूक्रेन के बीच बीते एक महीने से संघर्ष जारी। तीस धमाके मैंने सुने हैं सुबह आज, उसके अलावा जो ग्राउंड पे ऑफेंसिव है यहाँ पे बिल्कुल रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ग्राउंड पे लड़ाई इस टाइम सबसे ज्यादा जारी है वो है मरियापोल में। मरियापोल भी लगभग 90-95% अभी रूसी फौज के कब्जे में है, लेकिन रूसी फौज के जो जहाज है, समुद्री जहाज है, वो सी ऑफ अजोव से फायर कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 5% इलाके में जो कुछ पॉकेट्स में है वहां गुरिल्ला युद्ध जारी है। घर से घर, स्ट्रीट से स्ट्रीट फाइटिंग वहां अभी इस वक्त जारी है। खार्किव, मारियोपोल, ताश की गड्डी के फटे पत्तों से बिखरे पड़े हैं, लेकिन रोज बरसते बम उसे और मिट्टी में मिला रहे हैं। यूक्रेन जमीन और संस्कृति का हवाला देकर हथियार रखने को तैयार नहीं। रूस संप्रभुता पर हमले की चिंता जताकर यूक्रेन पर हमले रोकने को तैयार नहीं। चिंता की लकीरें दुनिया के माथे पर हैं और खिंची ये लड़ाई तो नुकसान सबका होता ही रहेगा। लेकिन बीता एक महीना जिस तरह बीता, लगता नहीं कि जंग सुलह के रास्ते पर अभी आगे बढ़ सकेगी।